हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में कुछ दिनचर्या रहने वाली है मेरे पिछले हफ्ते की, यानी कुछ दिनों की। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ में। तो ये है सैमसंग का टैब और हो गया है ये ख़राब। इसके अंदर लाइन आ गई है, ये देख सकते हैं आप, ये लंबी लंबी सी लाइन जो आ रही है। ये टैब 6 लाइट S6 Lite, और ये लास्ट ईयर लिया था अगर आप सबको ध्यान हो तो। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि सैमसंग के स्क्रीन्स में प्रॉब्लम आता है, जैसा कि मेरा सैमसंग का टीवी भी है जिसके अंदर स्पॉट्स आ गए हैं और एक साल के अंदर ही वो ख़राब हो गया। उसी तरीके से ये भी एक साल के अंदर ख़राब हो गया है, और जब इसको सर्विस सेंटर पर डाला है तो भाई सब लोग कह रहे थे कि हो सकता है कुछ पैसे आपको देने पड़े। भाई क्यों पैसे देने पड़े जब वारंटी में है? तो अगर कस्टमर की तरफ से कोई दिक्कत हुई है, कुछ डैमेज हुआ है, तो आप पैसे मांग सकते हैं, लेकिन आपके आपके सॉफ्टवेयर में, आपके स्क्रीन में प्रॉब्लम है, आप कैसे पैसे मांग सकते हैं? कंपनी की चीज़ खरीदी थी इसलिए ताकि लॉन्ग टाइम तक चल जाए, लेकिन एक साल के अंदर ही वारंटी पीरियड के अंदर ये फेल गया, यानी कि अगर वारंटी नहीं होती तो अच्छे खासे पैसे लग सकते थे। तो अब देखना ये है कि कब इसको वापस करते हैं और कितने पैसे की डिमांड करते हैं। इसके बाद मैं घर पहुँचा और यहाँ पर मुझे एक ये पार्सल मिला जिसके अंदर मैंने कुछ लाइट्स मंगाई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कभी जला के किस तरीके से जलती हैं। ये फ्लैश लाइट्स हैं ये, एंड रिचार्जेबल हैं ये, आधे घंटे में 2-3 घंटे चल जाती हैं चार्ज करने के बाद। तो ये मैंने मंगाई और मैं बड़ा खुश हुआ इनको देखकर, क्योंकि मुझे लाइट्स का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है, अच्छा लगता है। दिखाऊँगा आपको ये चालू करके कि किस तरह से जलती हैं ये, एंड इसके बाद फिर जो है कि आप काफ़ी लंबा शॉट ले लिया मैंने ये, अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। ओवर टू K2। तो आगे की बात मैं कर लेता हूँ, बेचारी किट्टू कर नहीं पाएगी क्योंकि उसका पैर टूट गया, अगला वाला उसको पैर में लग गई है, पता नहीं कहाँ से चोट खा के आई है, तो अब ये लंगड़ा के चल रही है। तो पिछले वीडियो में तो स्वस्थ थी और अगले वीडियो में इनकी टांग टूट गई। तो दोस्तों आज है शुक्रवार और जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा इसके कारनामे, लेकिन हाल ही में घायल होके आ गई हैं कहीं से, टांग वांग तोड़ के आई हैं, लंगड़ा के चल रही हैं, बातचीत चल रही है किसने मारा कैसे मारा। तो सुनने में आ रहा है कि एक सफ़ेद कलर का बिल्ला है जो इसकी पिटाई लगा देता है, तो लंगड़ा रही है बेचारी। यही वाली काफ़ी घायल हो गई है बिल्ली, देखो बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही है अब, मस्ती भी नहीं कर पा रही, ना मस्ती हो रही है ना चिपकलियाँ पकड़ रही। अभी 2 दिन अभी इनके ऐसे नाटक रहने वाले हैं, इतनी सीधी हो जाएगी अभी कुछ दिन तक। मैं तो कह रहा प्लास्टर चढ़वा देते हैं कच्चा वाला डॉक्टर को दिखा देते हैं प्लास्टर के लिए, टूटी थोड़ी है। कहीं नहीं जाना अभी, 2-4 दिन घर पे रहना अब, नहीं तो प्लास्टर चढ़वा देंगे ले जाके डॉक्टर के पास। घर पे रहेगी बोल, घर पे रहेगी, घर पे नो टंकी जाएगी, जाएगी पिटने और चिपकली पकड़ना इसको, वहाँ अब गिर जाएगी कहाँ बैठी हुई है नीचे उधर, वैसे आज टांग तोड़ के आई है उधर चिपकली, चल नीचे गिर जाएगी भाई, ओए चल नीचे उतर, नीचे उतर, आओ लो पेडिग्री। अरे भाई साहब गिर जाएगी, नीचे उतर जा नीचे उतर जा, गिर जाएगी। अरे कहाँ बैठी हुई है, चल नीचे। हाँ जिस छिपकली की शाम आएगी, आई तेरा क्या होगा छिपकली, बेटा तू नीचे गिरी ना तो तेरे हाथ पे टूट जाने, बता रहा हूँ मैं बिल्ली, चल इधर छिपकली खाना है।
पता नहीं कितनी दीवानी है छिपकली की। तो खैर ये छिपकली तो इनके हाथ ना आई, बेचारे इनके ख्वाब जो थे ख्वाब ही रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई साहब क्या बारिश होना शुरू हुई है, मौसम एकदम से चेंज हो गया और इतनी बारिश दे बिजली और बारिश पे बारिश, मतलब इतनी बारिश हुई है थोड़ी सी देर में, बिल्कुल हमारे कॉलोनी में एकदम इतना पानी भरना शुरू हो गया, मतलब भरना नहीं निकलना कॉलोनी में से, क्योंकि हमारी कॉलोनी जो है बहुत नीचे है तो सारी कॉलोनियों का पानी यहीं से होता हुआ जाता है हमारे द्वार पे से, तो ये हरिद्वार बन जाता है, तो यहाँ से बिल्कुल पानी निकलता हुआ जाता है सामने से और पीछे चला जाता है दूसरी कॉलोनी तरफ। तो खैर वहाँ पे जंगल है, वहाँ कॉलोनी नहीं है। हाँ तो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, हाँ तो देख सकते हैं आप कितनी बिजली चमक रही थी, मतलब इतनी डरावनी सी लग रही थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि बारिश बंद हो गई लेकिन बिजलियाँ बंद नहीं हुई। फिर मैं छत पर आया, मैंने कहा चलो भाई शूट करेंगे छत पे चल के, तो मैं आपको वाले शॉट्स भी दिखाता हूँ कि इतनी भयंकर बिजली चारों तरफ चमक रही थी, ऐसा दृश्य मैंने सच में नहीं देखा कि एक साथ इतनी सारी बिजली चमक रही हो, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बिजली चमक रही होगी, किसी साइड में चल के देख लेते हैं। मैं छत पर आके देखता हूँ, भाई साहब ये नज़ारा हो रहा है, मतलब बादल ऐसे चमक रहे हैं बिल्कुल कि कौन है वो कहाँ से वो आया हो रहा है, तो इतना मतलब देख रहे हो क्या माहौल हो रहा था। तो इस तरीके की बिजली मैंने सच में नहीं देखी यार, अभी तक नहीं देखी इस तरीके से चमकते हुए कि मतलब जहाँ कैमरा घुमाओ वहाँ पर बिजली चमक रही थी इतनी खतरनाक तरीके से। तो ये कुछ विकराल और अलग ही रूप था भाई, तो वाकई में देखने लायक। और फिर मैंने इसको शूट करना चालू किया, बिकॉज़ यार मैं तो फिर छोड़ नहीं सकता हूँ ये सब चीज़ें, बिजली को शूट करना तो मुझे अच्छा लगता ही है, बस वो मुझे कभी शूट ना कर दे। तो मैंने काफ़ी देर तक छत पे रहकर इसको शूट किया इस नज़ारे को, और वाकई में ये देखना बहुत अलग, भावना ही अलग है भाई, फीलिंग ही अलग है, भावना क्या होता है, फीलिंग्स ही अलग है भाई। इसको अपने आंखों से छत पे इस तरीके से देखना, अपनी आंखों से ही देखोगे, पड़ोसी से तो नहीं लोगे ना उधार, हाँ मतलब वही। तो फिर मैंने काफ़ी देर तक इसको शूट करता रहा एंड देख सकते हैं आप क्या नज़ारे, ओ माई गॉड। तो चलो अब बहुत दिखा दिया आपको ये नज़ारा, एंड वहाँ पर देखो यार वो जो बादल हैं ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल नीचे पहुँच गए, कहाँ गए वो वाले बादल, एक मिनट में जूम करके दिखाऊंगा अभी आपको, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नीचे ही उतर आए हैं वो बादल। हाँ वो देखो वो बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पे, तो वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं वो बादल, तो वो मैं देख रहा था और मैं हैरत में था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो ये जो मस्ती चल रही है रात के 12 बजे की मस्ती चल रही है, और ये शनिवार रात 12 बजे का है जहाँ पर इनका जो था कि इस तरीके से बाहर अंधेरा हो रहा था और इनकी मस्तियाँ चल रही थी, इनको नींद ही नहीं आती है नाइट में, इनको मस्ती करनी होती है, भली टांग टूट गई हो, कुछ हो गया हो, तबीयत ख़राब हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, मस्ती तो करनी है। तो भाई इतनी पॉजिटिव होना चाहिए इंसान को, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस बात से तो हमें इस किट्टू से कुछ सीखना चाहिए, देख सकते हैं आप किस तरीके से टूटी टांग से भी लगी पड़ी हैं। तो काफ़ी देर तक हम इनके नौटंकियाँ देखते रहे, फिर इसके बाद हम सोने चले गए। तो अब हम मिलते हैं अगले सुबह, यानी कि संडे की सुबह। टडंग टडंग, हेलो सभी को, हाय कह दीजिए। आज संडे है और आज इनका फंडे, इनका तो हमेशा फंडे होता है, संडे। कैसे देख रहा है, नींद आ रही है, देखो सो जाएगा तो नहीं है। बड़ी जम की नींद आ रही है भाई, सो जा। तो मौसम जो है सुहाना हो रहा है, कहीं जाने का मन हो रहा है बाइक से, एंड बादल हो रहे हैं प्यारे प्यारे, काले, खूब ही प्यारे। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का संडे। समय रात के 8 बजे, तो आज था संडे और दिन ख़त्म हो गया, कहीं जाना ना हुआ नहीं, और
बारिश भी हो नहीं रही है, बस ऐसे ही मौसम बना हुआ है, उमस हो रही है अच्छी खासी। तो ये था कुछ वीडियो, अब अगला वीडियो कल सुबह से शुरू करेंगे जो कि आपको दिखेगा संडे को, ठीक है। तो संडे की तैयारी शुरू करी जाएगी कल से, एंड पूरे हफ्ते की दिनचर्या जो रहेगी वो आपको दिखाएंगे हम संडे को। तो आपसे वीडियोस कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये है संडे इवनिंग एंड ये आ चुकी हैं ए मतलब कुछ कदर ही नहीं है ब्लॉग की। अब मिलेंगे अगले संडे, ठीक है। संडे मतलब इतवार इतवार के रविवार इतवार रविवार मंडे आने सोमवार। ओके, तो अब ये वीडियो हो गया कंप्लीट, एंड अब कल से शूट करेंगे इस हफ्ते का पूरा वीडियो, एंड इसके बाद फिर मैं अपलोड करूंगा अगले संडे को। तो तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखो अगर अच्छा लग रहा हो देखना तो। एंड मैंने ये बताया नहीं कि मुझे 4-5 दिन से कोल्ड हुआ पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। हुआ क्या था कि मैं ना शायद शुक्रवार को आई थिंक भीग गया था, तो उसके बाद से फिर मुझे हो गई थी सर्दी। शुक्रवार या शनिवार को भीग गया था मैं, नहीं शनिवार को नहीं भीगा था, शायद बीच में भीगा था कभी, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब भीगा था, बट मुझे हो गए 4-5 दिन हो गए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया है, एंड भयंकर सर्दी हो रही है, फीवर नहीं है सर्दी है सिर्फ। एंड अभी बीच में हम लोग मूवी भी गए थे मिशन इम्पॉसिबल, तो उस दिन तो भाई साहब मतलब नाक से मतलब टपक 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 तो चल रहा है ऐसा कुछ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।